ये दाल है ना, ये दाल इसमें बहुत सारी सब्जियाँ यूज़ होती है, बहुत हेल्दी है और बनाने में काफ़ी इजी है, बहुत सिंपल और हम्बल और कंफर्ट फूड हम जिसे कहते ना वैसे है, एकदम सात्विक दाल की रेसिपी है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। दाल तो हम रोज़ ही बनाते हैं, लेकिन वही दाल तड़का, दाल फ्राई खा खा कर बोर हो जाते हैं। हे एवरीवन, मैं हूँ मधुरा एंड वेलकम टू मधुराज रेसिपी। आज हम बना रहे हैं दालमा। दालमा ये ओडिशा की बहुत एक पॉपुलर डिश है। ये जनरली मंदिर में बनाई जाती है एज अ प्रसाद, एज अ भोग के लिए, जो 56 भोग चढ़ाए जाते हैं उसी में से ये भी एक डिश है। काफ़ी हेल्दी है, हम जो सात्विक कहते हैं ना, मतलब बहुत आई नो कि डिजिटल मीडिया पर हम बहुत सारी बिना इसका बिना उसका बहुत सारी अनहेल्दी डिश पोस्ट करते, बट आज ट्राई करें कुछ हेल्दी, कुछ ऑथेंटिक आपके साथ शेयर करूं। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द रेसिपी और प्रोसेस। सबसे पहले हमें चाहिए तूर की दाल, और कोई भी दाल, लेंटिल, चावल हो, सबसे पहले से 3 से 4 बार हम इसे अच्छे से रिंस कर लेंगे, वॉश कर लेंगे। देखिए दाल तो यहाँ मैंने अच्छे से रिंस कर ली है। अब मैं इसमें डालूँगी, 1 कप दाल है तो 3 कप पानी मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। इसी में अब डालेंगे हल्दी, स्लिट की हुई हरी मिर्च, और इस सब दाल में ना बहुत सारी सब्जियाँ गिरती है, तो यहाँ पर मैंने लिया है कच्चा केला। तो कच्चा केला क्या करना है ना, इसका छिलका पूरा निकाल के लेना है, और छिलका निकलने के बाद इसे पीसेस में इसे कट कर लेना है। ड्रम स्टिक्स है, उसी के साथ गाजर है, कच्चा आलू है, कद्दू है, और बीन्स है, ग्रीन बीन्स। तो बहुत सारी सब्जियाँ इसमें डल जाती है, तो ये सब मैं डालती हूँ उसमें। सुपर। अब इसमें बैंगन भी डालूंगी, तो बैंगन है ना कलर चेंज हो जाता है, तो मैंने इसका जो स्टेम का पार्ट है, पोर्शन है, मैंने निकाल दिया है, तो सीधा मैं इसमें डाल दूंगी ताकि इसका कलर ना चेंज हो जाएगा इस सब्जी में। अगर आपको चाहिए तो आप इसमें याम भी डाल सकते हैं, रेडिश भी डाल सकते हैं, तो आपकी पसंद की कोई भी सब्जी इसमें ऐड कर सकते हैं। परफेक्ट। अब इसी के साइड में मैं ये पूरा टमाटर रखूंगी, ये कट नहीं करना है, ऐसे ही छोड़ देना है। देखिए ये पूरा टमाटर ऐसे ही रखना है। अब ढक्कन लगाकर मीडियम हीट पर 3 सीटी में निकाल लूंगी। ऐसे ही मसालेदार और जायकेदार रेसिपीज के लिए मधुराज रेसिपी को यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे दाल मैंने मीडियम हीट पर 3 सीटी होने तक बॉईल कर ली है, स्टीम कर ली है, स्टीम पूरी रिलीज हो चुकी है, कुकर भी हल्का सा ठंडा हो चुका है। वाह, तो आप देख सकते हैं दाल तो अच्छे से गल चुकी है, सब्जियां भी अच्छे से पक चुकी है, लेकिन ये जो टमाटर है ना, जो पूरा हमने रखा था, वो हम निकाल कर बाहर रखेंगे। ये दाल एक बार मिक्स कर लेंगे, दाल और सब्जी। देखिए कितने अच्छे से कुक हो चुके हैं सब सब्जियां भी, और उसी के साथ दाल भी। सुपर। तो अब हम डालेंगे तड़का, तो उसके लिए 2 से 3 चम्मच घी। तो घी गरम हो चुका है, अब तड़के में जाएगा पंच फोरन मसाला। तो पंच फोरन क्या होता है ना, 5 इंग्रेडिएंट्स एक साथ मिलाकर उसका तड़का लगाते, तो एक एक करके मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हम डालेंगे राई, ये अच्छे से चटकने देते, या आप सब मसाले एक साथ ही डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए अलग अलग से डाल रही हूँ। राई के बाद 1/2 चम्मच जीरा, सौंफ 1/2 चम्मच, कलौंजी, अनियन सीड्स जिसे कहते हैं, और उसी के साथ मेथी के दाने,
थोड़े से। तो ये पांच चीज़ें जब मिक्स होती है तब उसे कहते हैं पंचफोरन मसाला। इसमें जाएगा हींग, तेजपत्ता, ध्यान रखिए ये मसाला जलना नहीं चाहिए, और अदरक। अदरक भून लेंगे एक मिनट के लिए। और ये जो टमाटर है ना, हमने दाल के साथ उबाल कर लिए थे, ये टमाटर इसमें अंदर। तो इसे करना है अब मैच। और ये दो मिनट तक हम कुक कर लेंगे। ये घी की इतनी अच्छी खुशबू आती है ना इस मसाले में, वाह। तो टमाटर भी अच्छे से कुक हो गए। अब इसमें डालेंगे ये उबली हुई दाल अलोंग विथ सब्जी। थोड़ा सा पानी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए। अब इसके ऊपर जाएगा जीरा पाउडर और नमक। इसे मिक्स कर लेंगे और इसके ऊपर भी जाएगा एक तड़का। तो बस 5 मिनट तक इसे बॉईल कर लेंगे और मैं तड़का इसके ऊपर डालूंगी। अब 3 से 4 मिनट हो गए, इसमें डालेंगे फ्रेश कोकोनट, ताज़ा नारियल का बुरादा। ये भी अच्छे से कर लेंगे मिक्स। ये ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप स्किप कर सकते हैं। ऑसम। तो अब ये दाल तो अच्छे से बॉईल हो गई है, अब इसके ऊपर जाएगा तड़का। तो तड़के के लिए वापस मैंने 1 चम्मच घी गरम कर लिया, उसमें डालूंगी दालचीनी और उसी के साथ सूखीला मिर्च। और ये तड़का दाल के ऊपर, सुपर। तो हमारी ये ओडिशा स्टाइल दालमा बनकर तैयार है, बहुत हेल्दी। आप देख सकते हैं दाल है, इसमें बहुत सारी सब्जियां डली है और मसाला का यूज़ बहुत कम है, मसाला घी या फिर तेल। तो आप ऐसे ही सूप करके खा सकते हैं, हेल्दी सूप, या फिर चावल के साथ भी ये बहुत टेस्टी लगती है। रेसिपी अच्छी लगी तो YouTube पर मधुरात रेसिपी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय। मधुरा रेसिपी।